नमस्कार दोस्तों, एग्री साइड किक चैनल में आपका स्वागत है। और आज कुछ पेस्ट हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, इनके जो मेथड है इनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इनको अप्लाई करके अपने इंसेक्ट का जो पेस्ट बनने से या उसकी जो पॉपुलेशन होती है उसको ज्यादा होने से रोक सकते हैं और बढ़िया क्रॉप ले सकते हैं, तो उसके लिए चर्चा करते हैं। तो आपको कुछ इसमें जो मेथड्स हैं उनको कैसे इम्प्लॉय किया जाता है या फिर उनके क्या तरीके होते हैं, किस तरीके से उनकी संख्या कम कर सकते हैं, उस तरीके के जो सारे मेथड हैं वो जो भी हो सकता है वो दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। तो आप देख सकते हैं टूल और मेथड एम्प्लॉय इन द पेस्ट मैनेजमेंट। कल्चरल मेथड यूज कर सकते हैं, फिजिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड यूज कर सकते हैं, बायोलॉजिकल मेथड और लीगल मेथड और केमिकल मेथड। केमिकल मेथड सबसे लास्ट में दिया गया है और ये भी है कि इसको अब आज के टाइम में इसको इतना उपयोग मतलब करते तो ज्यादा है लेकिन अब धीरे धीरे कम करने पे जोर दे रहे हैं इसको केमिकल का। क्यों? क्योंकि केमिकल्स का इतना इनडिस्क्रिमिनेट यूज होने लग गया है कि उसकी वजह से है ना जो भी क्रॉप होती है या जो भी फूड क्रॉप होती है उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट होता है और रेजिड्यू इफेक्ट भी ज्यादा रहता है सोइल में और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। तो उसकी बजाय आईपीएम या ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल ये मेथड अपनाने लग गए। बायोलॉजिकल तो नहीं हो सकता है इतना सक्सेसफुल, तो चर्चा करते हैं। फर्स्ट स्लाइड में दिया गया है कि इसमें जो ट्रैक्टर चल रहा है कि एक में लाइट ट्रैप है, एक में फ्रोमन ट्रैप है, एक में लेडी बर्ड बीटल है और एक में स्प्रे कर रहा है। तो इनके विस्तार से चर्चा करेंगे अपन। देखिए कल्चरल मेथड में, कल्चरल मेथड वही मेथड होते हैं, एग्रोनॉमिक मेथड भी कह सकते हैं इनको। कल्चरल मेथड में पूरे एग्रोनॉमिक मेथड है ना वो आते हैं। अब इनमें कोई अलग से खर्चा नहीं होता है, ये अपन को जो मेथड करने होते हैं, जो भी अपन जुताई कर रहे हैं, क्रॉप लगा रहे हैं, उनके बीच में स्पेसिंग है, ये जो सारे होते हैं ये एग्रोनॉमिक मेथड ही होते हैं। लेकिन इनको टाइम से करना होता है जिससे खर्चा आपका इतना ही लगता है, क्योंकि आप पहले करो जुताई और या कुछ दिन बाद करो लगना वो जुताई का खर्चा है। तो उसकी वजह से अपन समर सोइंग, डीप समर सोइंग कर देते हैं, तो इसकी वजह से जो धूप रहती है वो टेम्परेचर अधिक रहता है मई जून के टाइम में, उस टाइम कर देते हैं। तो ये जो इंसेक्ट वगैरह इनके लार्वा वगैरह जो भी इनकी जो स्टेजेस होती है वो खत्म होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर बर्ड परचेजेस यानी कि जो बर्ड बैठने के लिए अपन कुछ वहां पे झाड़ी या डंडे या कुछ भी ऐसे क्रॉप होती है उसमें अपन लगा देना चाहिए, क्योंकि अपन ये सोचते हैं कि भाई पक्षियां नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन एक स्टेज होती है उससे पहले पक्षियां नुकसान नहीं पहुंचाते। क्या है कि जैसे फली बनना होती है किसी क्रॉप में या दाने बनते हैं तो उस टाइम हो सकता है नुकसान पहुंचाते, लेकिन उससे पहले अपन इनको लगा सकते हैं जिससे ये कोई भी बर्ड हो वो बैठेगा और वो दूसरे जो इंसेक्ट है उनको खा जाएगा। और ये तीसरी स्लाइड है ये ट्रेप क्रॉप वाली। अब इसमें ये क्रॉप देखिए, गेंदा लगाया हुआ है बीच में इनके क्रॉप में तो, और इसमें सोरगम लगाया हुआ है इंटरक्रॉपिंग में, इनके बीच बीच में यानी कि दूसरी क्रॉप की सोइंग कर देते हैं ना, तो इनका इम्बेलेंस हो जाता है इंसेक्ट का उससे इससे, या फिर उसके लिए वो हानिकारक होती है क्रॉप, तो उसकी वजह से वो नहीं आ पाते, कुछ गंध होती है उसकी वजह से नहीं आ पाते, या फिर फर्स्ट में लगा देते हैं तो उस पर ही अटैक कर पाते हैं। तो इस तरीके के पैटर्न फॉलो करके अपन कर सकते हैं, ठीक है। कल्चरल मेथड में ये आता है तो इनका उपयोग कर सकते हैं और इनकी वजह से मतलब कि एग्रोनॉमिक मेथड या कल्चरल मेथड से बहुत कम कर सकते हैं। अब ट्रैप क्रॉप लगा सकते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत से हैं, जैसे बैलेंस न्यूट्रिशन करना चाहिए यानी कि ज्यादा खाद और फर्टिलाइजर वगैरह नहीं देना चाहिए क्योंकि उसका इफेक्ट भी पड़ता है, ज्यादा इफेक्ट। और इसके अलावा अर्थनिंग अप वगैरह करनी चाहिए, उनका भी फर्क पड़ता है नीचे इंसेक्ट वगैरह का। नेक्स्ट चलते हैं कल्चरल मेथड में, देखिए मिक्स्ड क्रॉपिंग आया गया, क्रॉप रोटेशन आ गया, क्रॉप को बदल बदल के बोना चाहिए क्योंकि कुछ इंसेक्ट के जो रह जाते हैं इंसेक्ट उनके रेजिडुअल में रह जाते हैं, तो उसकी वजह से वो अगली बार वो क्रॉप लगाते हैं तो उसमें फिर से रहने लग जाता है। और जो इनके प्लांट के अवशेष हैं और जो इनपे होस्ट बैठे हुए हैं या साइड में या मेड पे लगे हुए हैं
कुछ अलग तरीके के होस्ट प्लांट या वही क्रॉप के उनको भी हटा देना चाहिए, और डेट ऑफ सोइंग और प्लांटिंग यानी कि टाइम से करना चाहिए। कुछ का ये होता है कि जैसे लेट सोइंग करते हैं तो उसका इफेक्ट ज्यादा आता है, कभी अर्ली कर देते हैं तो इफेक्ट ज्यादा आता है। और इसके अलावा फिर बैलेंस न्यूट्रिशन देख रहे हैं आप, बैलेंस का न्यूट्रिशन सही करना चाहिए, ग्रोथ होती है ज्यादा उसकी वजह से भी इंसेक्ट हावी हो जाते हैं। और अर्थनिंग ऑफ करना चाहिए और रेकिंग द सोइल अराउंड। ये जो प्लांट है जैसे ऑर्चर्ड की बात कर रहे हैं तो उसमें अपन को जो साइड का जो उसके एरिया होता है जो थाला बनाते हैं उसके उसकी खुदाई वगैरह करके उसको करना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो उसमें भी जो स्टेम वगैरह के जो इंसेक्ट होते हैं वो लग जाते हैं। और लास्ट है रेसिस्टेंट वेराइटीज यूज करना चाहिए, जैसे इसमें दिखा रखा है रेसिस्टेंट ससेप्टिबल और टॉलरेंट क्रॉप है उस तरीके से, तो रेसिस्टेंट करना चाहिए उसमें इंसेक्ट नहीं लगते हैं। और स्पेसिंग सही रखनी चाहिए, सीड रेट सही रखनी चाहिए, क्योंकि सीड रेट भी ज्यादा रखने से ज्यादा प्लांट होते हैं और उनमें कुछ इस तरीके से प्लांट पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है, और कुछ इंसेक्ट को जैसे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है उस टाइम या टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो वो उनमें छिप जाते हैं, तो स्पेसिंग प्रॉपर होना चाहिए, सीड रेट भी जो रिकमेंडेड है वो यूज करना चाहिए। अब आता है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या है कि ये अलग अलग तरीके के जो फिजिकल हैं ये इसमें देखिए पेट्रोमैक्स लाइट है, इसमें जो लाइट है ना जो भी इंसेक्ट है या पेस्ट है वो लाइट की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। आपने देखा होगा ये जो बारिश के टाइम में जब भी लाइट जली रहती है उसके कीट पतंग कितने ऊपर आते हैं, तो वो लगा देना चाहिए कोने में कहीं भी या बीच में वहां पे, और फिर नीचे मिट्टी विट्टी का तेल रख सकते हैं घासलेट वगैरह तो, और ऊपर को रखें तो उसमें आके गिर जाएंगे और मर जाएंगे वहां पे। लाइट ट्रैप लगा सकते हैं फील्ड में बीच में, और बीजों को अच्छे तरीके से एक ग्राइंड से उनको सुखाना चाहिए, हॉट वाटर ट्रीटमेंट करना चाहिए जैसे कि 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 72 पे कुछ टाइम के लिए आधे घंटे के लिए जो भी होता है प्रोसीजर दिया हुआ होता है उसको फॉलो करना चाहिए। और कोल्ड ट्रीटमेंट स्टोरेज में रखना चाहिए, कुछ क्रॉपों के जो अपन काम में लेना है उनको सीड के रूप में उनको कोल्ड स्टोरेज में रखना चाहिए। और कंट्रोल एटमोस्फेयर स्टोरेज होना चाहिए जिसमें कि अल्टरेशन ऑफ O2 एंड CO2 लेवल रहता है प्रॉपर उसमें रखना चाहिए। अब ये वीडियो बनाने का यही पर्पज था, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक जनरल व्यू में देखने में आता है ना तो थोड़ा सा अलग ही चेंजमेंट हो सकता है आपके माइंड में रहना, तो आप अच्छी तरीके से आंसर कर सकते हो उस चीज का। नेक्स्ट है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या है कि मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप्स लगा सकते हैं, फूड अट्रैक्ट तो जैसे ये गोलियां वगैरह बनाते हैं वो रख सकते हैं। अब येलो स्टिकी ट्रैप लगाते हैं, येलो स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं और फेरोमोन्स ट्रैप लगा सकते हैं। अब येलो स्टिकी ट्रैप क्या होता है कि इसमें जो येलो बिल्कुल जैसे पेपर होता है A4 साइज का, ऐसे भी आते हैं बड़े आते हैं, वो उस पे येलो रहता है और उस पे गमी टाइप का एक पदार्थ लगा रहता है। एक तो क्या है कि इंसेक्ट है ना जैसे फ्लोर का येलो कलर के समथिंग ही होता है और उस पे आकर्षित होते हैं वो येलो कलर पे ज्यादा, तो उस पे आते हैं इंसेक्ट पेस्ट वगैरह, तो उसकी वजह से इस पे येलो कलर तो दे दिया गया है इस कागज को पूरे को, लेकिन उस पे गमी और स्टिकी टाइप का कुछ लगा दिया जाता है जिसकी वजह से जहां भी इंसेक्ट जाते हैं वो जैसे जाएंगे उसके पास फिर उस पे चिपक जाते हैं। एक तो इसका ये फायदा है कि इसको जैसे जैसे पॉली हाउस में या फिर फील्ड में जहां जहां भी लगाते हैं तो इससे जितने थोड़े बहुत कीट हैं वो आ जाते हैं। दूसरी बात, अगर जो कुछ अपन पहले से अगर जो इसको लगा देना तो इंसेक्ट की जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अपन को पता लग जाता है इससे क्या कि येलो स्टिक आपने लगा दिया, तो उससे ये पता लग जाएगा आपने अगर जो क्रॉप में गए हो आप कभी रहता है पत्तियों में ऐसे आके रह गए कीट दो चार की जो जनसंख्या है वो रह गई तो आपको पता नहीं लग पाता, और जब लेकिन उसका नुकसान होता है जब पता लग जाए। अब इसको लगाने से ये फायदा हो जाता है कि आपको जैसे इसकी चिपकते देखेंगे ना एक दो चिपक जाएंगे कीट तो आपको अनुमान लग जाएगा कि हाँ अब इंसेक्ट का अटैक हो सकता है, तो आप स्प्रे वगैरह कर सकते हैं, तो ये इसका फायदा है। अब सीड बेड है उनको नाइलॉन मैश ये जो बताया जैसे छोटे प्लांट है नर्सरी प्लांट होते हैं उनको मतलब कि ये जो नाइलॉन मैश ये जो पॉली हाउस के लिए ये आती है उनसे अपन कवर कर सकते हैं, और पॉलीथीन सीट या एल्केथीन ग्रीस बेंडिंग वगैरह कर सकते हैं जैसे प्लांट है इसमें दिखाया हुआ है,
राइट साइड में, इसमें क्या है कि जो स्टेम होता है, स्टेम स्टेम के ऊपर बिल्कुल वो पॉलिथीन टाइप में लगा दी जाती है, और उस पे ग्रीस वगैरह या ऑयली वगैरह ऐसा रहता है जिससे कि वो उसके या तो चिपक जाते हैं नीचे से जो सोइल से अटैक करने वाले होते हैं ऊपर तक जाते हैं, वो या चिपक जाते हैं या फिर ऊपर चढ़ नहीं पाते हैं, ये होता है। या फिर और मेथड है कलेक्शन, ये कलेक्शन करना, जैसे कि कुछ बड़े कीट होते हैं और कम जनसंख्या में है तो उनको अपन हाथ से कलेक्शन वगैरह कर सकते हैं और फिर उनको इकट्ठा करके कहीं भी उनको मतलब कि निस्तारण किया जा सकता है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन फिर मैकेनिकल मेथड में, ये कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अफेक्टेड प्लांट, जो अफेक्टेड प्लांट है उनको काट देना चाहिए या फिर उनके जैसे अफेक्ट हो रहे हैं उन पे स्प्रे कर देना चाहिए। अब जो कुछ कीट बड़े होते हैं ना उनको अपन कर सकते हैं, जैसे कि इसमें पाम वगैरह में दिखाया हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ एडल्ट राइनोसेरस बीटल यूजिंग आयरन हुक। इसमें क्या है कि ये बड़े होते हैं एक तो साइज में और एक इनकी संख्या कम होती है, तो इनको अपन आयरन हुक है इसकी वजह से निकाल सकते हैं, बड़े होते हैं कम जनसंख्या में होते हैं इनको इस वजह से। और दूसरा है यूज ऑफ स्क्रीन्स बैरियर्स, यानी कि जो फल फ्रूट है उनको ऊपर है ना जालीदार वो जो बैरियर होते हैं वो लगा देते हैं जिससे कि वो उन पर अटैक नहीं कर पाते हैं। फिर फोर्थ है पासिंग रॉप इन पेडी टू डिसलोज केज वर्म, ये क्या है कि इस मेथड में जो क्रॉप होती है उसमें जो फील्ड होता है उसमें दो एक तरफ से रस्सा पकड़ लिया जाता है और दूसरी तरफ से पकड़ लिया जाता है और फिर उसको उनके ऊपरी सिरे पे इस तरीके से फेरा जाता है कि जो केज वर्म है उनके जो ऊपर रहता है तो वो नीचे जड़ जाता है उनकी वजह से। जैसे अपन किसी चीज को ऊपर ऊपर से करते हैं ना, निहारते हैं मतलब कुछ भी हाथ फेरते हैं घास के ऊपर, जैसे अपन पार्क में बैठे हैं उसके ऊपर घास पे हाथ फेरते हैं तो उससे ये होता है जो ऊपर इंसेक्ट ये केज वर्म होता है तो ऊपर टॉप में रहता है और वो रस्सी जैसे चलती है ना तो उसकी वजह से वो हल्के या उसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है, तो ये मेथड भी यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड में ये प्रीडेटर्स यूज कर सकते हैं, यानी कि जो एक कीट है वो दूसरे कीट के उसकी इंसेक्ट के लार्वा वगैरह जो भी स्टेज को खा रहा है वो दूसरा है। फिर पैरासिटोइड यूज कर सकते हैं, माइक्रोबायल इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं, प्लांट बेस्ड इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं। अभी ये आपने देखा होगा कि इसमें जो अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग हैं कि पैरासिटोइड किसके लिए है, प्रीडेटर किसके लिए है, ये नेचुरल होते हैं और इनको फिर अपन लेकिन अपन को अप्लाई आर्टिफिशियली किया जाता है क्योंकि जहां इनकी संख्या कम होती है वही प्रीडेटर होते हैं वहां, अगर यही ज्यादा हो गए तो फिर यही फिर इंसेक्ट हो जाते हैं, तो इनकी संख्या वहां पे कम होती है और ये जो इंसेक्ट लगा हुआ है उनके एनिमी होते हैं तो इनको यूज करना होता है। अब इनके लिए अलग अलग हैं, अलग अलग दिए हुए हैं तो थोड़े बहुत चर्चा करते हैं, जैसे कि माइक्रोबायल इंसेक्टिसाइड है थर्ड नंबर का दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, इसके बारे में देखते हैं इसमें कि अलग अलग यूज कर सकते हैं माइक्रोबायल के लिए, और प्लांट बेस्ड इंसेक्टिसाइड का भी यूज कर सकते हैं। प्लांट बेस्ड इंसेक्टिसाइड में ये आते हैं जैसे नीम वगैरह होते हैं, नीम NSKE, नीम सीड करनाल एक्सट्रेट का यूज कर सकते हैं। प्लांट बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स में क्राइसेंथेमम का यूज कर सकते हैं, निकोटिन जो तंबाकू होता है उसके बना के यूज कर सकते हैं, लहसुन का होता है वो नीम सीड का होता है वो यूज कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं इसका यूज। और इसके अलावा फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रीडेटर्स हैं, देखिए प्रीडेटर्स के यहाँ पे अलग अलग जो स्पीसीज है जो एनिमी होते हैं इंसेक्ट के उनको दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। क्राइसोप्सोपा स्पीसीज है, माइक्रोमस स्पीसीज है, और डिफा एफिडोवेरा स्पीसीज है, ओवरफ्लाई है, लेडी बर्ड बीटल है, ये डिफरेंट डिफरेंट दिए गए हैं आप इनको देख सकते हैं। और थोड़ा सा ये आप एज ए प्रीडेटर से देख के स्पीसीज है ये आ भी सकती है किसी एग्जाम वगैरह में क्योंकि ये ज्यादा पैरासिटोइड प्रीडेटर्स पूछ लेते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं
प्लांट बेस्ड इंसेक्टिसाइड, जैसे पहले बताया, ये प्लांट से बनाए जाते हैं, प्लांट के कोई भी भाग से बनाए जा सकते हैं। तो नीम है, नीम से बनाए जाते हैं, तंबाकू से बनाए जाते हैं, क्राइसेंथम से बनाए जाते हैं, वो डेरिस प्लांट है उसकी, उससे बनाए जाते हैं, पोंगामिया से बनाए जाते हैं, महुआ से, कस्टर्ड एप्पल से, इनसे अलग अलग से बनाए जाते हैं। और ये इनका यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है और एज ए ऑर्गेनिक पर्पज के लिए सही रहता है। अभी इसका इफेक्टिवनेस बताना है, जो नीम का स्प्रे किया है, नीम करनाल सीड एक्सट्रेक्ट का, उसके ऊपर इनको प्रयोग कर सकते हैं तो रिजल्ट बढ़िया आता है। माइक्रोबायल इंसेक्टिसाइड, माइक्रोबायल इंसेक्टिसाइड कब यूज कर सकते हैं, जैसे इसमें वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, इनका उपयोग करके और इनकी, इंसेक्ट की जो जनसंख्या है उसको नियंत्रण कर सकते हैं या उनका खात्मा कर सकते हैं। इसमें तीनों का ही यूज कर सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई। अब लीगल मेथड में क्या है कि ये जैसे एक जगह से और दूसरी जगह पे इंसेक्ट वगैरह ट्रांसपोर्ट नहीं हो तो उनको रोकने के लिए मेथड है ये। और ये डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, डीआईपीए 1914 के तहत है। इसमें इंट्रो ये अब इसमें कुछ बता रखे हैं, ये प्लांट क्वारंटाइन इसके अंतर्गत आता है। इसमें कि जो भी अफेक्टेड प्लांट वगैरह पार्ट होते हैं या फ्रूट्स होते हैं उनको दूसरी जगह पोर्ट नहीं किया जाता है, या किसी भी जगह एक चीज का ज्यादा हो जाता है, इंसेक्ट वगैरह ज्यादा होते हैं तो दूसरे विदेशी भी होते हैं कि उसको, जो एरिया वाइज होती है तो उसको वहां से ट्रांसपोर्ट इम्पोर्ट ही नहीं करते हैं वो लोग वहां पे, क्योंकि वो उनके ऊपर बैन लगा दिया जाता है कि ये चीज यहाँ से नहीं आएगी, क्यों, उनको पता है अगर जो एक दो चीज भी अवशेष के रूप में आ गए वहां पे, इंसेक्ट वगैरह, तो वहां पे फिर वो जाके पेस्ट का रूप धारण कर लेते हैं और ज्यादा हो जाते हैं। केमिकल मेथड सबसे लास्ट में, केमिकल में इस तरीके से केमिकल्स हैं जो भी इनके लिए रिकमेंडेड है उनका यूज कर सकते हैं। और लास्ट में आईपीएम, आरआर में आईपीएम का यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसमें कि सबका यूज करना है, देखिए इसमें सोइंग से लेके क्रॉप का भी यूज करना है, इंसेक्ट का भी यूज, बर्ड का यूज करना है, प्रोमन ट्रैप का यूज करना है, इंसेक्टिसाइड प्लांट से बनाए गए उसका यूज करना है, यूज एनपीवी का भी किया गया और स्प्रे इंसेक्टिसाइड का भी किया गया है, बाद में केमिकल्स का है जो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स थे इसके लिए।